अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, और रसमलाई के लिए ये मैंने 1 किलो दूध लिया हुआ है। आधा किलो दूध की मैं अपना वो रसमलाई जो है कॉटेज मतलब जो है वो बनाऊंगी, और दूसरा आधा किलो जो है उसका मैं सिरप बनाऊंगी। और इसके लिए हमें अभी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ये सिर्फ आधा किलो दूध है। इसे मैं गर्म करूँगी अच्छे तरीके से, और मेरे पास ये टाटरी है, ये टाटरी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और कितनी डालूँगी मैं तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये दूध मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, इसका सिरप बनाने के लिए जो है वो मैंने रख दिया है। अब इसमें जो है मैं इलायची पाउडर जो है शामिल करूंगी। ये 1/2 टी के बराबर मैंने इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। अभी मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ इलायची पाउडर के अलावा। चीनी जो है हसबे ज़रूरत है, अगर आपने मीठा ज़्यादा अपना रखना है तो आप ज़्यादा चीनी डाल लें, अगर कम रखना है, दरमियाना रखना है जो नॉर्मल होता है मीठा, तो आप इसमें कम से कम 2 से 2 खाने की जो चम्मच है वो आप भर के इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है वो हम 1-2 चीज़ें और हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं। ये देखें दूध को उबाला पड़ गया है हमारे, हम इसकी आग जो है बिल्कुल थोड़ी सी कम कर देते हैं, बिल्कुल ज़रा सी बराबर सी कर देते हैं। अब जो है मैं इसमें अपना आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना क्या नाम है टाटरी लेनी है। ये देखिए इतनी सी टाटरी है, ये बिल्कुल 1/2 टी नहीं है और 1/4 से थोड़ी सी कम है, क्योंकि हम 1/2 किलो ले रहे हैं तो इस वजह से ये मैं इतनी सी टाटरी अब इसमें डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। और चम्मच जो है बिल्कुल मैं धीमी आंच पे चलाऊँगी। बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरीके से हमने चलाना है चम्मच, क्योंकि हमने इसकी कॉटेज चीज़ बनानी है तो ये दूध फट जाएगा, हमें कॉटेज चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें आस्ता आस्ता वो दूध जो है फट रहा है। ये देखें ये आ रही है ऊपर, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से फट जाए दूध, तो फिर हमने इसको मलमल के कपड़े में ले के इसको इसका जो पानी है वो सारा नितार लेना है, और ये कॉटेज चीज़ जो है हमने हासिल कर लेनी है। और इसका भी पानी जो है हमने अच्छे तरीके से निचोड़ना है अच्छे तरीके से, ताकि ज़रा सा पानी इसमें ना रह जाए, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया है, ये आस्ता आस्ता ये देखें बन रहा है, ये आ रहा है। मैंने चमचा इस वजह से ज़ोर से मतलब नहीं चला रही, बिल्कुल हल्का हल्का चला रही हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ बन जाए, कॉटेज चीज़ बन जाए। बहुत आसान है ये रेसिपी, इतनी मुश्किल नहीं है। बस जब ये सारा हो जाए तो आपने इसको मलमल के कपड़े में नितार लेना है, ठीक है। ये देखें मैंने कपड़े में डाल दी है, अब इसका पानी जो है आस्ता आस्ता नितर रहा है, अभी गर्म है, और अभी मैं इसको दबा के इसका वो पानी अच्छे तरीके से निकालूंगी तो हाथ जल जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो पानी है वो निकल जाए, फिर हम वापस इसको ठंडा पानी इसमें ऊपर से डालेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे तरीके से। ये हमने बॉल में इसका पानी निकाल दिया है। अब जो मैं इसके ऊपर जो है
अपना आप भी किसी बॉल में लेके आप ऊपर से इसके अंदर जो है मलमल के कपड़े के अंदर जो है ठंडा पानी आप डालती जाइएगा ताकि ये कॉटेज चीज थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फिर आप इसको यूं करके अच्छे तरीके से दबा के निचोड़ के और आपने कॉटेज चीज़ हासिल कर लेनी है। तो मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारी कॉटेज चीज़ आ गई है। अब मैं इसमें ज़रा सा बेकिंग सोडा डालूँगी और फिर इसे थोड़ा सा मैं मसलूँगी। ये देखें, क्वार्टर के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरीके से मसलूँगी और फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी गोल गोल ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में अच्छे तरीके से और बिल्कुल खुश्क है ये, बिल्कुल इसमें अपना पानी नहीं है। आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो आप 1 किलो दूध ले लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से मसल के थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा। ये देखें कि कितनी सॉफ्ट ये बन रही है, पहले किस तरह थी और अब किस तरीके से है। हाथों की मदद से जो है ना इस तरीके से आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, बस फिर मैं अब इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से करके आपने इसका पेड़ा बना के और इसको इस तरीके से बॉल बना के और फिर उसके बाद इन हथेली की मदद से जो है आपने इसकी गोल टिक्कियाँ बना लेनी और ये साइडों से आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप बड़ी बनाना चाहती हैं, छोटी बनाना चाहती हैं, दरमियानी बनाना चाहती हैं, जिस साइज़ की बनाना चाहती हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने बना के और इन सब टिक्कियों को रख लेना है। मेरे पास, मैंने आधा किलो का लिया था, मेरे पास आधा किलो दूध में से ये निकली है चीज़, कॉटेज चीज़। तो मैं इसको इसमें से मेरा ख्याल है 4 बनेगी। हाँ, 4 बनेगी। तो मैं इनको भी बना के फिर आपको, ये पानी का उबाले पड़ रहे हैं। अब ये जो टिक्किया है ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये जैसे ही नीचे डूब गई है ना, जब पकेगी तो ये ऊपर तैरती हुई आ जाएगी। अब हमने इसको कम से कम 10-12 मिनट के लिए पकाना है और उस तरफ मैंने दूध रख दिया है वो ऊपर, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखें, ऊपर आ गई हैं। अब हमने इसी तरीके से इसको अभी 10-15 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से और सॉफ्ट हो जाए ज़रा सी। अब हमारा दूध जो पक पक के थोड़ा सा इस तरह हो गया है, चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब ये थोड़े से बादाम हैं कटे हुए जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी साथ में थोड़े से पक जाएं। और ये केवड़ा है जो मैं इसमें ज़रा सा डालूँगी खुशबू के लिए। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको चलाती जाऊंगी थोड़ा सा चम्मच। रसमलाई हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, दूध हमारा पक गया है, मतलब जो सिरप है इसका तैयार हो गया है। जो ये मैंने पानी में उबाइल की थी उसके बाद मैंने इनको ठंडा होने के लिए
ठंडे पानी में डाल दी थी, ठीक है। और अब ये ठंडी हो गई और फिर मैंने यूँ हाथों की मदद से इसका पानी नितार लिया है, ठीक है। अब जो है ये रसमलाई मैं दूध के अंदर डालूँगी। ये मैंने रसमलाई दूध के अंदर डाल दी है। अब इसे इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे इसमें ताकि ये दूध जो है अच्छे तरीके से जज़ब कर ले। मैंने एक किलो दूध लिया था, आधा किलो दूध का मैंने अपना कॉटेज चीज़ बना ली, आधा किलो दूध जो है मैंने सिरप के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो भी प्रोसीजर था वो मैंने आपको सब बता दिया। अगर आपने इसे ज़्यादा लेना है, ज़्यादा बनाना है, तो आप ज़्यादा दूध ले लीजिएगा। अच्छा, ये खुला दूध है, ऑलपस का या हबीब का या डब्बे वाला कोई दूध नहीं है। जब आप इसमें डाल दें तो आपने चम्मच इसको इतना नहीं चलाना क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और फौरन टूट जाती हैं। मीठा हस्बे ज़रूरत है। बाकी खुशबू के लिए मैंने आपको बता दिया था, केवड़ा डाला है और बादाम डाले हैं मैंने, इलायची पाउडर डाला है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। चीनी हस्बे ज़रूरत है, ठीक है। बस अब इसको 2-4 मिनट के बाद मैं इसे उतार लूँगी, फिर मैं आपको बता। ये देखें हमारी रसमलाई तैयार है। बिल्कुल आसान रेसिपी है। एक इसका और भी तरीका है बनाने का, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। ये बिल्कुल दूध से बनी हुई है, एक खुश्क दूध से बनती है, तो मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा बना लेना घर में। ये भी खुशी का त्यौहार हो या मतलब अपना कोई ऐसा खुशी का मौका हो तो उसमें अच्छी लगती हैं, कोई स्वीट सी चीज़ें बनी हुई हों। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।